प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा परीक्षा सिलेबस, यानी कि आज हम जानेंगे कि त्रैमासिक परीक्षा में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र में कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 की तैयारी के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय में से आपको कौन कौन से पार्ट अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो आप लोग त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस को। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो पेपर होगा इसके लिए समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा के पूरे सिलेबस को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2023-24 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र में वैसे 2 पुस्तकें हैं आपके पास में, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक पुस्तक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी पुस्तक का नाम है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिएगा, इस बार जो है ना आपका पेपर जो पूरा बन के आने वाला है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में से बनकर आने वाला है। देख सकते हो समष्टि अर्थशास्त्र में से, इसमें से एक भी पार्ट इस बार आपका नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके सरकारी स्कूलों में समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाना प्रारंभ ही आपका अक्टूबर महीने से किया जाएगा। तो इसलिए इस परीक्षा में केवल और केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट ही आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसमें से कौन कौन से पार्ट आपसे पूछे जाने हैं। तो देखिएगा, एक तो अध्याय एक है जिसका कि नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, आप लोग इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद में अगला पार्ट है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसको भी आप लोग पढ़ लें, ये भी आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इन दोनों ही पार्टों के आप लोग प्रश्नोत्तर अच्छे से याद कर लेंगे। उसके अलावा अध्याय 3 है जिसका कि नाम है उत्पादन तथा लागत, तो इस पार्ट को भी आप लोग पढ़ लें अच्छे से, इस पार्ट में से भी प्रश्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पार्ट की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें और इसको समझ भी लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये आपका जो पार्ट है उसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत, तो इस पार्ट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में अगला पार्ट है जिसका कि नाम है बाजार संतुलन, तो बाजार संतुलन वाले पार्ट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षा हेतु सभी के सभी पार्ट यहाँ पर मैंने बता दिए हैं कि कौन सी आपको पुस्तक में से कौन कौन से अध्याय आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक बार मैं पुनः आपको बता देना चाहूँगा कि केवल और केवल आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर आपने और विषय के भी परीक्षा सिलेबस को जानना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो आप लोग अपनी बाकी विषयों के परीक्षा सिलेबस को अच्छे से जरूर जान लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।